नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे व्हिप्ड क्रीम। और ये बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध है हमारा। इसे मैंने अच्छे से उबाल कर ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। दो घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। अब इसमें हमारी मलाई आ गई, तो अब हम इस मलाई को इस तरह निकाल लेंगे और निकाल कर एक छलनी में डाल देंगे। ये मैंने एक बाउल लिया है और इसको हम छलनी में डाल देंगे। इस तरह छलनी में डाल देंगे और जो मलाई से हमारा दूध निकलेगा उसमें हमारी क्रीम तैयार करेंगे। तो सारी मलाई इस तरह निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने दूध से पूरी मलाई निकाल ली है और मलाई से जो दूध निकलता है उससे क्रीम तैयार की जाती है। अगर आप और क्रीम निकालनी हो आपको, तो दूध को और गर्म कर लीजिए और ठंडा करके फिर मलाई आने पर फिर इसी तरह इसमें से क्रीम निकाल लीजिए। तो मैं इसे अलग रख दूँगी और इसमें हम हमारी पूरी मलाई निकलने देंगे। ये देखिए हमारी मलाई से इतनी ही क्रीम कलेक्ट हो पाई है हमारी। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए, इसे 1 घंटा हो गया है। अब हम इसे फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हमारी क्रीम निकल आएगी। तो आप इसे कांटे की चम्मच से भी फेंट सकते हैं और मैं यहाँ इसे रई से फेंट रही हूँ। तो हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये देखिए, ये गाढ़ी होती जा रही है, तो मैं इसे और फेंट लूँगी। इसे फेंटने में हमें करीब 15-20 मिनट लगते हैं। ये देखिए, हमारी क्रीम बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए, हम इसे करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं फेंटते हुए। ये देखिए, तो ये हमारी क्रीम बन गई है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी क्रीम बनकर तैयार हुई है। घर पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इतनी सी मलाई में हमारी ये क्रीम बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी क्रीम बनकर तैयार हुई है हमारी। तो मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी क्रीम बनकर तैयार हुई है हमारी। ये देखिए, हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट फिट कर तैयार हुई है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर ये परफेक्ट नहीं होती तो ये बाउल से नीचे गिर जाती, कटोरी से नीचे गिर जाती। तो ये देखिए, हमने इसे उल्टा करके देख लिया। ये देखिए, तो हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए आपकी क्रीम कैसी बनी। मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी और आपको ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू।